जैसे कि आप सभी जानते हैं जे जनवरी का रिजल्ट आ चुका है और उसमें जो परसेंटाइल आया हो उसमें सबसे कंफ्यूज है बच्चे कि हमारे कितने परसेंटाइल पे कौन सी रैंक आएगी और उस रैंक के भी आप हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो कैरियर के आपके लिए एक एप्लीकेशन लेके आया हुआ है जिसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है मन में कि परसेंटाइल के हिसाब से रैंक कितनी होगी या रैंक के हिसाब से हमको कॉलेज कौन सा मिलेगा और उस कॉलेज में ब्रांच कौन सी मिलेगी, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो हम आपको उसमें बताएंगे उस एप्लीकेशन में आप कैसे जाके कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ये वीडियो आप अगर अंत तक देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी सिचुएशन में जो भी परसेंटाइल आया हो उसके भी आपको कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ये एकदम जेन्युइन प्रेडिक्शन है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि फोन पे अपने जाके इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फोन स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे जिसमें कि हम करियर की सर्विसेज यहां पे सर्च करेंगे। तो इस एप्लीकेशन को मैंने पहले फिलहाल इंस्टॉल कर रखा है, आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें एक लॉगिन आईडी मांगेगा, आपको नंबर से अपने रजिस्टर्ड कर लेना है। इसके बाद हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलेज प्रिडिक्शन लिख के आ रहा है क्योंकि कॉलेज प्रिडिक्शन है, इसको हमको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2018-19 एक्चुअली क्या है 18-19 का सेंस ये है कि इसमें कुछ डेटा लास्ट ईयर का कुछ रिकॉर्ड है उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे। तो ठीक है फिर हम लोग यहाँ पे 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसमें कि सीसैप जो हमारा सीसैप राउंड होता है लास्ट में इसको स्पॉट ऑन कहते हैं कि मतलब जो सबसे ज्यादा लास्ट तक हमारी रैंक जाती है वहाँ पे हमको कॉलेज मिल जाता है। तो चलो इस पर हम एक कॉलेज प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 50,000 रैंक ले लेते हैं एक, और यहाँ पर अगर आपको कैटेगरी जो लिखा हुआ है AIR का मतलब है ऑल इंडिया रैंकिंग, और कैटेगरी में जाके हमको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल हम OBC कैंडिडेट हैं और यहाँ पे जो स्टेट कोटा दे रखा है AI मतलब कि ऑल इंडिया कोटा स्लैश अदर स्टेट कोटा, और ये आपका होम स्टेट कोटा है। तो इस तरीके से अगर हमको प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे स्टेट जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अरुणाचल प्रदेश से हैं तो यहाँ पे हमारी एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल रही है। फिलहाल अगर आप NIT अरुणाचल प्रदेश अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको CE का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग और CSE का मतलब है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो ये ब्रांचेस हमको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर हम होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अगर उस पर क्लिक करो तो आपको कॉलेज डिटेल्स भी मिल जाएंगी प्रॉपर। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको 2018 के भी अगर थोड़ा सा चेक करना है, अगर आप यहाँ पे ऑल इंडिया स्टेट के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं या आप किसी अदर स्टेट पे हैं तो यहाँ पे आप ब्रांच भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको कैमकल चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी भी हमको सिलेक्ट करनी होगी यहाँ पे, तो कैटेगरी हमने ST कैटेगरी ले ली। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस तरीके से हमको इतने सारे कॉलेज मतलब कि कुछ प्रीवियस ईयर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बिहाफ पर हम यहाँ पर कॉलेज प्रिडिक्ट करके आपको बता सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे NIT अगरतला है ये, तो यहाँ पे हम सारी डिटेल्स यहाँ पर मिली है, हाइस्ट पैकेज भी लिखा हुआ है, एवरेज पैकेज भी है, और यहाँ पे फी स्ट्रक्चर कितना है 4 ईयर में, यहाँ पे प्रॉपर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अगर आपको इसका लिंक जानना है तो आप सबसे पहले YouTube पे जाइए, यहाँ पे करियर की सर्विसेज जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसमें काफ़ी सारी हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि आपका कॉलेज रिव्यू आ जाएगा, इसमें आपकी कॉलेज डिटेल्स आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स इसमें प्रॉपर मिल जाते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको लिंक अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं।